हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं अब देखो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट जो है वो कहीं कही ना कहीं एक बेसिक एक्सटेंशन बन जाता है हमारे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो हमने पिछले वीडियोज में देखा है बस एक डिफरेंस ये आ जाता है दैट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में आपको मल्टीपल वेरिएबल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे एक बेसिक एग्जांपल लूँ तो आपके पास कार हो जाएगी कार का मॉडल हो जाएगा कार का कलर हो जाएगा एंड कौन से पर्सन की कौन सी कार है इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन uh, में आपके आए हुए हैं एंड इसी टाइप से मल्टीपल वेरिएबल आपको जो है वो दिए जा सकते हैं ठीक है तो चलो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं सो so दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए अब आपको बेसिक अरेंजमेंट तो जरूर से समझ में आ गई होगी लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करते समय तो यहां पर हम लोग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट हैं वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे सेकंड टू द लेफ्ट का क्या मीनिंग है सिटिंग डायग्नि का क्या मतलब है वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड अगर आप इसको सॉल्व कर पाए इट मीन्स की आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है देखो क्वेश्चन में बोला गया है दैट एग्जैक्टली सिक्स डॉग्स पी क्यू आर एस टी एंड यू आर एंटर्ड इन अ डॉग शो द जज ऑफ द शो एग्जैक्टली फोर रिबन वन फॉर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्लेसेज टू फोर ऑफ दीज डॉग्स द इन्फॉर्मेशन दैट फॉलोज इज ऑल दैट इज अवेलेबल अबाउट द सिक्स डॉग्स मतलब मुझे यहां पर यह बोला गया है दैट भाई मेरे पास डॉग्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं मेरे पास डॉग्स की अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास P, Q, R, S, T एंड U ठीक है ये छह डॉग्स हैं बट अगर मैं प्राइज की बात करूं तो प्राइज मेरे पास केवल और केवल फोर डॉग को मिलना है मतलब फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज जो ये फिफ्थ एंड सिक्स वाले जो प्लेस पे डॉग्स आएंगे ना उनको एक तरीके से Uh, एक तरीके से बोला जाएगा दैट ये गेम जो है वो लॉस्ट कर चुके हैं ठीक है लूज कर चुके हैं गेम को अब मुझे आगे बोला गया है ईच डॉग इज ग्रे हाउंड और अ अब बट नॉट बोथ मतलब हमारा जो डॉग है वो या तो ग्रे हाउड है या तो फिर लैबरा है तो मैं यहां पर मैंशन कर देता हूँ या तो हमारा जो डॉग हो, होगा वो ग्रे हाउंड होगा या फिर लैबराडॉग होगा उसके बाद मुझे बोला गया है दैट जो सिक्स डॉग्स हैं उनमें से दो जो है वो तो फीमेल है एंड फोर मेल है मतलब फोर डॉग्स जो है वो मेल होंगे एंड फीमेल कितनी होंगी भाई फीमेल डॉग्स केवल और केवल दो होंगी अब मुझे बोला गया द जज अवार्ड रिबन टू बोथ द फीमेल डॉग्स एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज़ अ लेब्राडोर इसका सिंपल सा मीनिंग ये है दैट जो ये जो ये जो फीमेल है ना दोनों ये दोनों फीमेल जो है वो विन हुई है मतलब जीती है या फिर मतलब ये है दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ पोजीशन में से दो पोजीशन फीमेल ने ब्लॉक करके रखी है अब इन दोनों फीमेल में से एग्जैक्टली exactly वन जो है एक जो है वो लेब्राडोर है इसका ये मतलब हो जाता है दैट जो दूसरी फीमेल डॉग है वो क्या होगी भाई वो हमारी ग्रे हाउंड होगी ठीक है अब मुझे आगे बोला गया exactly one Labrador wins the ribbon. है एग्जैक्टली वन रिबन अब सिंपल सी चीज है जो भी हमारा एंड दो पोजिशन जो है वो मेल ने लेकर के रखा हुआ है फीमेल में से अगर एक फीमेल जो है वो लेबराडोर है एंड मुझे यहां पर फोर्थ पॉइंट बोला गया वन लेबराडोर विंस द रिबन मतलब ये दैट एक ही लेब्राडोर जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ में से कोई एक पोजीशन जो है वो लेता है मतलब कि कोई एक ही लेब्राडोर जो है वो इस टूर्नामेंट को जीतता है जीतने का मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आ रहा है इसका सिंपल सा ये मीनिंग है दैट दो मेल एंड एक फीमेल जो है वो क्या होगी भाई वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रे हाउंड हो जाएंगे करेक्ट बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल और केवल एक ही लेब्रेडोर जो है वो टूर्नामेंट को जीता है एंड वो जो लेब्रोडोर जीती है वो एक फीमेल डॉग है अब आगे मुझे बोला गया है डॉग पी एंड आर प्लेस अहेड ऑफ डॉग एस मतलब जो ये पी एंड आर है ना वो एस के आगे है मतलब मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ पी एंड आर मतलब P हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे हो या फिर हो सकता है आर फर्स्ट पोजीशन पर हो ठीक है बट ये दोनों के दोनों जो है ना वो एस से तो जीत ही चुके हैं पी एंड आर आर अहेड ऑफ एस एंड एस जो है ना वो क्यू एंड टी से जीत चुका है तो एस जो है एस जो है वो क्यू एंड टी से जीत चुका है बट मुझे ये नहीं पता है दैट क्यू एंड टी में से क्यू जो है वो लास्ट आया है या फिर टी जो है वो लास्ट आया है तो मैं इस पूरे के पूरे एक तरीके से सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से मैंशन कर देता हूँ ठीक है आगे मुझे बोला गया है दैट पी एंड आर जो है ना वो ग्रे हाउंड्स हैं तो सिंपल सा मीनिंग है Uh, that P and R जो वो ग्रेहाउंड है एंड एस एंड यू जो है ना वो लेब्रेडोर है तो सिंपल सी चीज है या तो एस फीमेल होगी या तो फिर जो हमारी यू है वो फीमेल होगी मतलब कोई एक फीमेल जो है वो लेबरेडोर है जो की इस uh, टूर्नामेंट को जीती है तो अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां से मुझे ये चल, पता चल रहा है दैट अगर आपके थर्ड वाले सेंटेंस को देखो तो मुझे एग्जैक्टली exactly ये पता चल रहा है दैट दो मेल है एंड दो फीमेल जीती है ठीक है एंड जो दूसरी फीमेल है वो एक ग्रे हाउंड है ओके तो यहां से मुझे जो है वो अगर मैं इन डॉग्स की पोजिशन की बात करूं तो मेरे पास डॉग्स की पोजिशन क्या बन जा रही है भाई पी ठीक है क्यू आर S, T एंड यू ये मेरे पास सिक्स डॉग्स हैं ओके अब मुझे बोला गया है दैट देख, 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 P एंड R जो है ना वो ग्रे हाउंड है तो P जो है वो एक ग्रे हाउंड है एंड R जो है वो भी एक ग्रे हाउंड है इसके बाद मुझे बोला गया है, S एंड U जो है ना वो लेबरेडोर है तो S जो है वो एक लैबरेडोर है एंड U जो है वो भी एक लैबरेडोर है ठीक है अब देखो इससे मुझे ये पता चल रहा है दैट केवल और केवल एक ही लेब्रेडोर जो है वो जीती है ठीक है तो एस जो है वो तो जीती ही जीती है करेक्ट एस जो है वो जीती है एंड जो जो भी लेबराडोर जीती है ना वो एक फीमेल डॉग है यहां पर मुझे बोला गया दैट द जज अवार्ड्स रिबन टू बोथ द फीमेल डॉग्स एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज अबराडोर मतलब जो दो फीमेल्स जीती थी उसमें से एक फीमेल लेबराडोर है एंड एक जो है वो ग्रे है तो एक लैबराडोर जो है वो एस है तो ऑब्वियसली चीज है एस जो है वो एक फीमेल डॉग होगी करेक्ट यहां तक मुझे जो है वो ये चीज पता चल रही है एंड जो एस है वो ऑब्वियसली विन सिचुएशन है यहाँ पर मतलब जो एस है उसने जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ पोजिशन है वो इसने जीता हुआ है ठीक है तो यहाँ तक की चीजें मुझे अभी तक पता चल चुकी हैं इसके बाद इन ये जो सेवन पॉइंट्स हम लोगों को दिया हुआ है इसको हम लोग अगर एक बार और पढ़ते हैं ऊपर से ईच डॉग इज इधर अ ग्रे हाउंड और अ लेबराडोर बट नॉट बोथ तो हमारे पास क्यू एंड टी का एक तरीके से हमारे पास एक ए, सर्टेन आंसर नहीं आ पा रहा है दैट ये जो क्यू एंड टी है वो लेब्रेडोर है या फिर ग्रे हाउंड है ये हम लोगों को अभी नहीं पता चल पा रहा है टू ऑफ द सिक्स डॉग्स आर फीमेल एंड फोर आर मेल अब देखो मेरे पास एस का तो चलो मुझे पता चल चुका है दैट एस जो है वो एक फीमेल डॉग है ठीक है एस जो है वो एक फीमेल डॉग है ओके ये मुझे जो है वो पता चल चुका है बट दूसरे फीमेल के बारे में अभी तक मुझे नहीं पता चला है एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज अब्रोडोर अब ओके सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देख लिया जज अवॉर्ड टू बोथ द फीमेल एग्जैक्टलीबरेडोर ठीक है तो एक लैबरेडोर जो है वो हमारी जो है वो जीत चुकी है एग्जैक्टली वन लेबरेडोर विन इज द रिबन ओके ये भी मुझे पता चल चुका है एंड एस एंड यू आर द लेबरेडोर एंड डॉग पी एंड आर आर अड ऑफ एस यहां पर मैंने इसको मैंशन किया हुआ है ठीक है एंड क्यू एंड टी जो है ना वो एक तरीके से से पीछे हैं। okay, अब इन सब पोजिशन को देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगा बट जो बचे हुए तीन पोजिशन है वो केवल और केवल ग्रो, ग्रे हाउंड की है। मतलब दो मेल ग्रेहाउंड है एंड एक फीमेल ग्रेहाउंड है इसके बाद अगर आप पी एंड आर को देखो तो फिर पी एंड आर जो है वो थ्री डॉग से अब है थ्री डॉग से ऊपर है करेक्ट एस क्यू एंड टी इन तीनों से तो पी और आर जो है वो ऊपर ही आने वाले हैं इसका ये मतलब है दैट एंड आर को तो जीतना ही जीतना है करेक्ट तो पी जो है वो भी एक तरीके से विन सिचुएशन में जाएगा एंड आर जो है वो भी एक तरीके से विन सिचुएशन में ही जाएंगे ऊपर वाला जो रो है उसको मैं ब्रीड के लिए डिफाइन कर देता हूं सेकेंड रो जो है वो मेल फीमेल के लिए एंड थर्ड रो जो है वो विन एंड लूज के लिए मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं ठीक है अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो एस जो है ना एस कैन ऑल्सो एट वर्स्ट केस जो है ना फोर्थ प्लेस में ही फिनिश होगा अगर आप बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान से देखो अगर तो फिर पी एंड आर को तो जीतना ही जीतना है एंड एस जो है वो क्यू एंड टी से यहाँ पर मुझे बोला गया दैट एस प्लेस एहेड ऑफ डॉग्स क्यू एंड टी एस जो है वो क्यू एंड टी से तो जीत ही गया है अब हमारे पास यहाँ पर यू का कोई सिचुएशन गिवन नहीं है करेक्ट यू का मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है बट आप ध्यान से देखो यू जो है ना यू का सिचुएशन ना देने के बावजूद भी मुझे ये चीज हंड्रेड परसेंट पता है दैट वर्स्ट टू द वर्स्ट केस में भी एस जो है ना वो फोर्थ पोजीशन जो है वो लेकर के जाएगा इसका यह मतलब है S जो है है दैट एस जो वो भी विन सिचुएशन में आएगा ठीक है। अब देखो एस एंड यू आर लेबरेडोर एंड ओनली वन इज वन सो यू जो है वो वन टू थ्री फोर में से कुछ भी आ ही नहीं सकता है तो ये जो यू की बात करें हम लोग तो यू जो है ना वो एक तरीके से लूज करता है गेम को ठीक है यू जो है वो गेम को हार जाता है मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ नहीं आ पा रहा है ठीक है जहां पर हम लोगों को यू के बारे में ये सब चीज जो है वो पता चल चुकी है ठीक है भाई तो यहां पर मेरे पास फाइनल क्या पोजीशन बनती है मेरे पास फाइनल पोजीशन बनती है दैट फर्स्ट पोजीशन जो है वो या तो पी लेकर के जाएगा या तो फिर आर लेकर के जाएगा ठीक है एंड जो सेकंड पोजीशन है वो अकॉर्डिंगली अगर P को फर्स्ट मिलता है तो सेकेंड R को मिल जाएगा अगर R को फर्स्ट मिलता है तो सेकेंड पोजिशन P को मिल जाएगा ठीक है थर्ड पोजिशन जो है वो S लेकर के जाएगा ठीक है एंड फोर्थ पोजिशन जो है वो Q या फिर T में से कोई एक लेकर के जाएगा बट U जो है ना U को लास्ट पोजिशन जो है वो मिलेगी ठीक है यहां पर मुझे ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से पता चल गई है ठीक है तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बाकी सभी चीजें जो है वो अनसर्टेन है पी का मुझे जेंडर नहीं पता है क्यू का जेंडर नहीं पता है दूसरी फीमेल डॉग कौन सी है ये भी मुझे नहीं पता है एंड कौन एग्जैक्टली exactly यहां पर विन 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 थ्री डॉग्स जो है वो जीत चुके हैं अब फोर्थ जो दो लोग हारे हैं उनके बारे में भी मुझे नहीं पता है बिकॉज क्यू और टी में से कोई एक जो डॉग है वो यू के साथ जो है वो गेम से बाहर होने वाला है ठीक है फिफ्थ सिक्स पोजीशन जो है वो यू एंड क्यू एंड टी में से कोई एक डॉग को मिलने वाली है तो यहां से भी मुझे ये चीज पता चल रही है ओके okay, बट हम लोग सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं तो चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं दैट एग्जैक्टली exactly क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास है अब यहां पर ध्यान से देखो विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ डॉग्स डेट कैन बी ग्रे तो देखो ग्रे मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं तो अगर आप ग्रे देखो देखो पी तो मेरे पास 100% परसेंट है

मेल जो है वो फोर जीते हैं फीमेल दो जीती हैं ठीक है और केवल और केवल जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन है वन टू थ्री एंड फोर इसमें केवल और केवल एक लेबराडोर है जो कि फीमेल है दूसरी फीमेल जो है वो ग्रेहाउंड है जो कि बाहर है एंड इसके अलावा मुझे यहां पर दिया गया था दैट इधर ग्रेहाउंड और अ टू ऑफ द सिक्स डॉग्स आर फीमेल एंड फोर आर मेल द जज अबाउट द रिबन टू बोथ द फीमेल डॉग्स एक जो है वो लेबराडोर है एक जो है वो ग्रे हाउंड है ये चीज मुझे पता चल गया है। ग्रे हाउंड जो है वो एक तरीके से गेम के बाहर है ठीक है उसके बाद क्यू एंड टी जो है ना वो एक तरीके से ग्रेहाउंड होने का ही यहां पर हिंट शो कर रहे हैं आई होप आपको यहां पर ये यह चीज जो है वो समझ में आई होगी अगर आपने इन सेवन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ा है तो जो क्यू है एंड टी है वो कहीं ना कहीं ग्रे हाउंड हो सकते हैं करेक्ट मुझे ये चीज एकदम सर्टेनिटी के साथ नहीं पता है बट पी एंड आर के बारे में मुझे पता है ओके okay, बट मैं एकदम सर्टेनिटी के साथ Q एंड T के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं तो यहां पर जो है E ऑप्शन जो है वो एक राइट right ऑप्शन बन जाएगा P, Q, R एंड T जो है वो एक तरीके से एक्यूरेट लिस्ट ऑफ डॉग्स हैं दैट कैन कैन बी बी यहां पर आप जरूर देखना ठीक है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू अ फीमेल ग्रेहाउंड विंस द सेकंड प्लेस रिबन देखो मेरे पास पोजीशन क्या थी भाई Uh, मेरे पास अगर मैं आपको पोजिशन बताऊं तो फीमेल ग्रेहाउंड कैन फीमेल ओके दिस इज फीमेल फीमेल ग्रेहाउंड कैन नॉट गेट द सेकेंड पोजिशन सिंपल सी चीज है जो कि मेरा फीमेल जो है फीमेल में जो लेबरा डॉग है केवल वही जीतती है ठीक है तो जो फीमेल ग्रेहाउंड है विंस द सेकेंड प्लेस रिबन आगे मुझे बोला गया अब फीमेल लेब्राडोर विंस द सेकंड प्लेस रिबन तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को ध्यान से कंसीडर करो तो हमारे पास भाई सीक्वेंस क्या बन रही थी पी आर एस क्यू एंड टी ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस बन रहा था ठीक है अब फीमेल ग्रेहाउंड जो है वो सेकंड प्लेस रिबन जीत सकती है ठीक है बिकॉज़ हो सकता है पी एंड आर में से कोई एक जो है वो एक तरीके से सेकंड प्लेस पर आ जाए ठीक है अब देखो पी जो है वो ग्रेहाउंड हो सकता है सेकेंड प्लेस पर चलो मान लिया मैंने पी अगर सेकेंड प्लेस पर आ जाता है कभी एंड पी जो है वो ग्रेहाउंड है तो पी जो है वो फीमेल डॉग भी तो हो सकती है ना क्योंकि पी का जेंडर तो मुझे डिफाइन नहीं है हंड्रेड परसेंट मैं नहीं कह सकता हूँ तो सिंपल सी चीज़ है ये ट्रू हो सकता है बट फीमेल लेबराडोर कभी भी सेकेंड प्लेस रिबन पर नहीं आ सकती है क्यों क्योंकि सेकेंड प्लेस रिबन अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास जो लेबराडोर है ना वो एक फीमेल डॉग है वो जीती है ठीक है हमारे जो फीमेल लेब्राडोर है ना वो कौन सी है भाई फीमेल लेब्राडोर जो है वो एस है ये एस जो है वो कभी भी सेकंड प्लेस पर नहीं आ सकती है ठीक है पी एंड आर जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस लेकर के रखेंगे तो जो ये एस है ना वो केवल और केवल थर्ड प्लेस पर ही आ सकती है तो हमारा ये जो जो सेकंड सेकंड ऑप्शन है है वो वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा दैट फीमेल प्लेस रिबन पे कभी भी नहीं आ सकती है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो अ फीमेल लेब्राडोर विन द थर्ड प्लेस रिबन ये हंड्रेड ट्रू होगा बिकॉज पी एंड आर फर्स सेकंड पोजिशन पे है फीमेल और एस है वो थर्ड पे ही आएगी ठीक है अ मेल ग्रेहाउंड विन द फोर्थ प्लेस रिबन फोर्थ प्लेस रिबन कौन ले सकता है वो ले सकता है एंड क्यू एंड टी का मुझे ना तो जेंडर पता है क्यू एंड टी का एंड ना ही मुझे यहां पर ये पता है दैट इनकी ब्रीड क्या है तो ये क्यू एंड टी जो है ना वो भी एक तरीके से फोर्थ पर आ सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है ये ट्रू हो सकता है एंड फीमेल ग्रेहाउंड विन्स द फोर्थ प्लेस रिबन एंड जैसा मैंने बताया जो फोर्थ प्लेस पे आ सक आएगा ना जो भी डॉग वो एक फीमेल डॉग भी हो सकती है ऐसी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फोर्थ प्लेस पे क्यू एंड टी में से कोई एक को आना है एंड क्यू एंड टी में से मेरे को मुझे किसी का भी जेंडर पता नहीं है तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा केवल और केवल मतलब ये ऑप्शन भी जो पॉसिबल हो सकता है फीमेल है, है? सीक्वेंस क्या बना था पी क्यू ओके पी आर ठीक है फर्स्ट सेकेंड पोजिशन थर्ड पोजिशन एस ये तो मेरी फीमेल हो गई ठीक है इसके बाद मेरे पास क्यू एंड टी एंड फाइनली यू अब सिंपल सी चीज है अगर दो फीमेल डॉग है एंड चार मेल डॉग है ठीक है दो फीमेल्स थी एंड चार मेल डॉग्स थे दोनों के दोनों फीमेल जो है वो जीत चुकी हैं तो ये मेल में से दो मेल जो हैं वो जीतेंगे एंड दो मेल जो हैं वो हारेंगे करेक्ट तो ये जो दो मेल हार रहे हैं इनमें से यू तो जो है वो 100% परसेंट गेम को लूज कर रहा है बिकॉज एस एंड यू जो है वो लैब्राडोर थे एंड केवल और केवल एक ही लैब्राडोर जो है वो जीता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पर क्लियरली बोला एग्जैक्टली वन लेबराडोर विन्स अ रिबन ठीक है और वहां पर एग्जैक्टली exactly जो डॉग्स थे ना वो दो थे ठीक है टू ऑफ दिक्कस डॉग्स आर फीमेल एंड फोर आर मेल द जॉट रिबन टू बोथ द फीमेल डॉग्स एक्जैक्टली वन इज अब्राडोर ठीक है एक फीमेल डॉग जो है वो लैबराडोर है एंड एक ही लेब्राडोर जो है वो गेम को जीत रही है ठीक है तो जो दूसरी लैब्राडोर होगी वो ऑटोमेटिकली गेम को हारने वाला डॉग होगा और गेम को हार कौन रहा ये, में बोला गया, यू जो है अकॉर्डिंग तो, sure तो हारना ही हार है। तो हारने वाले दोनों जो है वो मेल हो सकते हैं तो मैं हंड्रेड परसेंट सर्टिनिटी के साथ ये बोल सकता हूं दैट यू जो है ना वो हारेगा ही हारेगा एंड यू जो है वो एक मेल डॉग होने वाला है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं च ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी फॉल्स ठीक है अगेन मेरा स्टेट सीक्वेंस क्या था पी आर एस क्यू टी एंड यू ठीक है डॉग पी प्लेसेज अहेड ऑफ डॉग आर पी जो है वो आर के आगे आने वाला है ठीक है ये हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं है करेक्ट ये हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं है बिकॉज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम लोगों को सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं बोला गया हो सकता है आर फर्स्ट पे हो हो सकता है पी फर्स्ट पे हो तो दिस स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स ऑल्सो बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं पी इज अहेड ऑफ टी जो है वो हर केस में जो है वो टी से आगे ही रहने वाला है आर इज अहेड ऑफ यू हर केसेज में आर जो है वो यू से आगे ही रहने वाला है आर इज अहेड ऑफ टी अगेन आर जो है वो टी से आगे रहने वाला है एस इज अहेड ऑफ यू तो यहां पर भी देखो एस जो है वो हर केस में यू से अहेड ही रहने वाला है तो फीमेल विच आर दैन बी फॉल्स अब मुझे अगर बोला गया है, that Q जो है वो लेट्स से फीमेल हो जाती है तो यहां पर मैं जो टेबल है वो फिर से क्रिएट कर लेता हूं पी क्यू आर एस टी एंड यू ठीक है पी जो है वो एक ग्रे हाउंड था ओके okay. आर जो है वो भी एक ग्रे हाउंड है एस जो है वो एक लैब्राडोर है यू जो है वो एक लैब्राडोर है ठीक है एस जो है वो मेरे पास फीमेल है ये मुझे गिवन है यू जो है वो हंड्रेड परसेंट मेल ही हो सकता है बिकॉज तभी वो जाकर के गेम को हारेगा ठीक है एंड यहां पर जो मैंने विन एंड लूज का सिचुएशन बनाया था यू को तो हमेशा हारना ही हारना है एस को हमेशा जीतना ही जीतना है ठीक है अब पी क्यू और टी का मुझे अभी सर्टनिटी के साथ पता है दैट पी जो है वो तो फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन लेकर के चल रहा है ठीक है विन एंड आर जो है वो भी जीता हुआ है क्यू एंड टी का मुझे नहीं पता है दैट क्यू एंड टी में से ऑब्वियसली कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा सीक्वेंस भी मैं जो है वो यहां पर मेंशन कर देता हूं अगेन से पी आर एस क्यू टी एंड यू क्यू एंड टी में से जो भी जीतेगा उसको छोड़ करके जो अगर क्यू जीतता है तो टी एंड यू बाहर हो जाएंगे अगर टी जीतता है तो क्यू एंड यू बाहर हो जाएंगे बट यू तो सर्टेनिटी सर्टेन uh, है कि वो हंड्रेड परसेंट है कि हारेगा या रहेगा अब मुझे यहां पर बोला गया है अगर Q एक फीमेल डॉग है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स अगर Q फीमेल है तो चलो भाई Q को हम लोग एक फीमेल डॉग कर देते हैं अगर Q फीमेल हुई ठीक है तो एक ही लेब्राडॉग जीत रही है फीमेल तो दोनों जीत रही है तो यहां पर ये जीतेगी क्यू जीत जाएगी एंड क्यू जो है उसका ब्रीड क्या हो जाएगा ग्रे हाउंड हो जाएगा करेक्ट तो ग्रे ग्रे ग्रे, ग्रे लैब्राडॉग टी जो है वो हारेगा हारने वाला जो है वो मेल होगा एंड इसका हम लोगों को अभी ब्रीड हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते एंड बट ये दोनों जो है ना वो मेल होंगे अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा सारे के सारे सिचुएशंस ठीक है अब देखो आगे हम लोग कैन बी फॉल्स बोला हुआ है ना कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि फॉल्स हो सकता है तो सिंपल सी चीज है पी इज अ मेल पी जो है वो मेल होगा हंड्रेड परसेंट इसको मेल ही होना पड़ेगा आर इज अ मेल आर को भी जो है वो हंड्रेड परसेंट मेल ही होना पड़ेगा तभी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी क्यू विन्स द फोर्थ प्लेस रिबन क्यू जो है ना वो फोर्थ प्लेस जीत रही है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्यू एंड टी में से किसी एक को आना है अब ऑब्वियसली क्यू अगर फीमेल है तो क्यू को ही जीतना पड़े, पड़ेगा एंड टी को हारना हारना ही पड़ेगा यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया टी तो हारेगा ही हारेगा तो क्यू जो है ना वो फोर्थ प्लेस पे आ सकते ये भी ट्रू है डॉग क्यू इज अ ग्रेहाउंड क्यू जो है वो हंड्रेड परसेंट सटेन है कि हंड्रेड परसेंट है कि वो ग्रेहाउंड ही होने वाला है डॉग टी इज अ ग्रे हाउंड टी जो है वो ग्रे हाउंड है ये फॉल्स हो सकता है बिकॉज टी की जो चीजें हैं ना मैं अभी 100% परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं दैट टी जो है वो ग्रे हाउंड होगा या फिर बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डॉग हारे हैं वो मेल हैं वो तो मुझे श्योर sure हो रहा है बट उनकी ब्रीड के बारे में कुछ ऐसा सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है तो फिर डॉग टी जो है वो ग्रे हाउंड है ऐसा जो है वो 100% नहीं कह सकता हूं तो दिस स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स आप ध्यान रखना कैन वर्ड जो है वो जरूर से ध्यान में रखना ये हो सकता है ट्रू हु? हो सकता है फॉल्स हो ठीक है बट बाकी सारे के सारे जो ये चारों स्टेटमेंट्स हैं इनको तो 100% परसेंट ट्रू होना ही पड़ेगा अदरवाइज ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इफ डॉग टी विंग्स द फोर्थ प्लेस रिबन मतलब पी आर एस टी अब जो टी है ना वो फोर्थ प्लेस जीत जाता है एंड क्यू एंड यू जो है ना वो हार जाते हैं क्यू एंड यू हार जाते हैं इफ टी विंस द फोर्थ प्लेस रिबन देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स मस्ट बी ट्रू डॉग पी इज अ मेल ठीक है ये तो uh, मतलब श्योरिटी नहीं है हंड्रेड परसेंट नहीं कह सकता हूं मैं इसके बाद Q इज अ मेल क्या Q को मेल होना पड़ेगा येस yes, ये 100% परसेंट श्योर sure हो जाएगा बिकॉज हारने वाले जो भी डॉग्स हैं वो 100% परसेंट मेल होने चाहिए ये चीज हम लोगों ने अभी तक प्रूव कर दी है तो अगर T को फोर्थ पोजिशन मिलता है तो Q को जो है वो गेम से बाहर हो जाएगा Q जो है वो हार जाएगा एंड हारने वाले दोनों डॉग जो है वो मेल ही होने चाहिए तो मैं ये हंड्रेड कह सकता हूँ दैट क्यू जो है वो मेल ही होने वाला है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू डॉ पी ड नॉट विन अरिबन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पी है वो रिबन ना जीते बिकॉज अगर हम लोग पोजिशन देखें तो पी को तो फर्स्ट या सेकेंड आना ही आना है उसको भी हंड्रेड परसेंट जीतना ही पड़ेगा एस डज नॉट विन अरिबन ऐसा हो ही नहीं सकता एस को हर केस में थर्ड पोजिशन तो मिल ही मिल रहा है डॉग टी विन सरिबन ये चीज जो है ना वो फॉल्स हो सकती है क्योंकि टी जो है ना वो अभी तक मुझे नहीं पता है डॉग यू विन सरिबन डॉग यू बिल्कुल भी नहीं जीत सकता यह हंड्रेड परसेंट है कि यू को तो हारना ही हार तो एक पॉसिबिलिटी है, है भाई तो आई होप यह क्वेश्चन आपने जो है वो अच्छे तरीके से समझा होगा काफी अच्छा क्वेश्चन था चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं ठीक है अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन में बोला गया दैट प्लेन वन टू थ्री एंड फोर एंड नो अदर्स आर अवेलेबल टू फ्लाई इन एन एयर शो पायलट ए बी सी में जो एना है बॉब है एंड ये जो भी नेम है मैं इसको एल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा सो so दैट हम लोगों को बार बार नेम वगैरह लिखने में प्रॉब्लम ना आया ए बी सी आर ऑल अबाउट प्लेन दैट आर फ्लाइंग इन द शो एंड देर एंड दे आर द ऑनली क्वालिफाइड पायलट्स इन द शो को पाइलट्स डी ई एंड एफ आर ऑल अबाउट प्लेन दैट आर फ्लाइंग इन द शो एंड दे आर द ओनली क्वालिफाइड को पायलट इन द शो नो प्लेन फ्लाइज इन द शो विदाउट अ क्वालिफाइड पायलट एंड नो वन बट द क्वालिफाइड पायलट एंड क्वालिफाइड को पायलट्स फ्लाइज इन द शो अब यहां तक की अगर मैं इंफॉर्मेशन देखूं पॉइंट नंबर तो यहां से मुझे क्या क्या चीजें पता चल रही हैं सबसे पहले तो मुझे यह पता चल रहा है दैट हमारे पास टोटल चार प्लेन्स हैं अगर मैं प्लेन की बात करूं ठीक है तो मेरे पास कितने प्लेन है भाई प्लेन वन प्लेन टू प्लेन थ्री प्लेन फोर इसके अलावा मुझे यह चीज पता चल रही है दैट क्वालिफाइड पायलट्स कितने हैं क्वालिफाइड पायलट्स अगर मैं क्वालिफाइड पायलट्स की बात करूं तो वो है हमारे पास ए बी एंड सी इसके अलावा मैं अगर क्वालिफाइड को पायलट्स की बात करूं को पायलट्स तो इसका ये मतलब है दैट क्वालिफाइड को पायलट जो है वो है डी ई एंड एफ ठीक है अब इसके अलावा मुझे इंफॉर्मेशन और क्या क्या दी गई है दैट नो प्लेन फ्लाइज इन द शो विदाउट अ क्वालिफाइड पायलट अब्रोड अबोर्ड uh, यानी कि जो भी प्लेन फ्लाई कर रहा होगा उसमें एक क्वालिफाइड पायलट तो होना ही चाहिए तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एटलीस्ट वन क्वालिफाइड पायलट एटलीस्ट वन क्वालिफाइड पायलट इज अ मस्ट फॉर द प्लेन टू टेक ऑफ ठीक है प्लेन को उड़ाने के लिए हमारे पास एक क्वालिफाइड पायलट तो होना ही होना चाहिए ठीक है इसका ये मतलब है ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है इससे मुझे ये पता चल रहा है दैट क्वालिफाइड पायलट कितने है भाई क्वालिफाइड पायलट हैं ए बी एंड सी ठीक है एंड क्वालिफाइड पायलट होना जरूरी है प्लेन को उड़ाने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्लेन कितने हैं चार हैं वन टू थ्री एंड फोर इसका ये मतलब बन जाता है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन्स जो कि हवा में रह सकते हैं वो कितने होंगे भाई थ्री हो सकते हैं बिकॉज प्लेन को उड़ाने के लिए तीन पायलट्स ही हैं प्लेन चार हैं एंड हर एक प्लेन में एक पायलट होना मैंडेटरी है तो हमारे कितने प्लेन्स एक साथ उड़ सकते हैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं हमारे मैक्सिमम जो प्लेन उड़ सकते हैं वो हो सकते हैं थ्री और एटलीस्ट एक प्लेन हमेशा ग्राउंड पे प्रेजेंट रहेगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ओके okay. इसके साथ मैं ये चीज कह सकता हूं दैट नो वन बट क्वालिफाइड पायलट्स एंड क्वालिफाइड को पायलट फ्लाइज इन द शो क्वालिफाइड पायलट एंड क्वालिफाइड को पायलट जो है उन्हीं के थ्रू ये शो जो है वो रन किया जा सकता है इसका ये मतलब है जो ये है, न, ये छे छे है जो जो क्वेश्चन में ये ये सिक्स लोग लोग गिवन ना के ही हैं कि प्लेन को उड़ाएंगे ओके अब हमारे पास ये चीज हम लोगों को पता चल चुकी है दैट एक पायलट जो है वो नेसेसरी है प्लेन को उड़ाने के लिए एंड सारे के सारे पायलट जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं ठीक है क्योंकि यहां पर देखो ना पॉइंट में मुझे क्या बोला गया को पायलट जो है ऑल अबोर्ड द प्लेन एंड सिमिलरली मेरे पास बोला गया जो है जो पायलट है ना वो भी अबोर्ड हो चुके हैं प्लेन में इसका मतलब है दैट ऑल आर फ्लाइंग ठीक है ऑल आर फ्लाइंग मतलब ये है दैट जो प्लेन मेरा जमीन पर है जो प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा मैंने आपको क्या बताया एक प्लेन तो ऐसा है जो कि फ्लाई नहीं कर रहा है बट उस एक प्लेन में कोई भी पायलट या को पायलट प्रेजेंट नहीं है वो प्लेन खाली पड़ा हुआ है नीचे एंड सारे जो भी पर्सन गिवन है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ये जितने भी छह लोग दिए हुए हैं ये टोटल तीन प्लेन्स में मैक्सिमम तीन प्लेन्स में तो फ्लाई कर ही रहे होंगे ठीक है इसका ये मतलब है डेट यहां पर दो दो के पेयर बनेंगे करेक्ट एक पायलट होगा एक को पायलट होगा बिकॉज मुझे बोला गया है एक क्वालिफाइड पायलट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है मतलब मैं ये अज्यूम कर सकता हूं दैट एक पायलट एंड एक को पायलट चाहिए ही चाहिए दो को पायलट मिलकर के प्लेन को फ्लाई नहीं करेंगे ओके चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं ए विल ओनली फ्लाई इन ईदर प्लेन वर्क वन और प्लेन फोर मतलब जो ये ए है ना ए जो है वो केवल और केवल वन पे ही फ्लाई करे करेगा या फिर फोर पे ही फ्लाई करेगी एना है ठीक है एना विल ओनली फ्लाई इन इधर प्लेन पर वन और प्लेन फोर इसके अलावा मुझे बोला गया है दैट डेव विल ओनली फ्लाई इन प्लेन टू और प्लेन थ्री मतलब ये जो डी है ना वो या तो प्लेन टू में फ्लाई करेगा या तो फिर प्लेन थ्री में फ्लाई करेगा बट ये जो डी डी है ना वो एक को पायलट है एंड ए जो है वो एक पायलट है ठीक है भाई तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं दैट ए जो है वो वन एंड फोर में ही जाएगा एंड डी जो है वो केवल और केवल टू एंड थ्री में ही जाएगा इसका सिंपल सा ये मीनिंग बन जाता है दैट हमारा जो ए है ना वो डी के साथ कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता है अब देखो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे जो पायलट्स हैं वो इंडिविजुअली भी फ्लाई फ्लाई कर सकते हैं ऐसा हम लोगों को कुछ हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं दिया हुआ है बट ये चीज तो मुझे पता है दैट पायलट एक साथ फ्लाई नहीं कर सकते हैं मतलब देखो हमारे पास अगर आप यहां पे ध्यान से देखो ये सिचुएशन को हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा बट यहां पर आप एक चीज ध्यान रखो दैट हमारे पास पायलट कितने हैं भाई हमारे पास पायलट है टोटल थ्री प्लेन्स कितने हैं प्लेन्स है हमारे पास सिक्स एंड एक टाइम पे कितने लोग एयर में हैं ऑल सिक्स ठीक है सारे के सारे ओके प्लेन्स फोर है सॉरी प्लेन्स फोर है एंड को पायलट कितने हैं को पायलट हमारे पास three, तो टोटल कितने लोग हुए टोटल छ लोग हुए करेक्ट अब हमारे पास एक साथ एयर में टोटल छ के छे लोग जाने वाले हैं इसका ये मतलब है कि तीनों पायलट जो है ना वो अलग अलग सीनेरियोज को क्रिएट करके फ्लाई कर सकते हैं मतलब हमारे पास मैक्सिमम कितने प्लेन हवा में हो सकते हैं अगर ये तीनों पायलट एक एक प्लेन में बैठ जाते हैं तो

हमारे पास सीनेरियोज बन सकते हैं दैट एक टाइम पे केवल एक प्लेन एयर में है ठीक है ये डॉट का मतलब केवल एक प्लेन एयर में है हो सकता है दोनों दो प्लेन एयर में है या फिर हो सकता है तीनों तीन प्लेन एयर में है बट चारों प्लेन एयर में नहीं हो सकते बिकॉज चारों प्लेन को एयर में, में होने के लिए चार पायलट चाहिए रहेंगे ठीक है बट हमारे पास पायलट केवल तीन है अगर एक ही प्लेन एयर में है तो ऑब्वियसली तीनों पायलट एंड तीनों को पायलट तीनों के तीनों इसी प्लेन में रहेंगे अगर दो पायलट एयर में है तो किसी एक प्लेन में दो पायलट रहेंगे एंड किसी एक प्लेन में केवल और केवल एक पायलट रहेगा एंड जो को पायलट है ना वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं हो सकते हैं तीनों एक पायलट के साथ बैठ जाएं, हो सकता है तीनों दो पायलट के साथ बैठ जाएं, इस तरीके से अपने आप को जो है वो लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एंड जब ये तीनों प्लेन्स हवा में होंगे तब भी पॉसिबल सीनेरियोज है दैट दो पायलट एक ही प्लेन में बैठे हुए हों या फिर तीनों में एक एक पायलट ओके यहाँ पर तो अगर हमारे पास तीनों प्लेन एयर में है तो तीनों में एक एक पायलट तो चाहिए रहेगा अब को पायलट जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं हो सकता है तीनों को पायलट फर्स्ट प्लेन में बैठे हुए हों या फिर इसमें दो बैठे हुए हों इसमें एक बैठे हुए हों तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सीनेरियोज प्रेजेंट की जा सकती हैं हम लोगों को क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया दैट एक पायलट के साथ एक ही को पायलट होना चाहिए प्लेन में ऐसा कभी भी नहीं बोला गया जो चीज गिवन नहीं है मैं उसको हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं आगे लेके चलूंगा ठीक है तो चलो हम लोग यहां तक तो चीजें समझ गए हैं अब हम लोग जो है वो एक बेसिक सा टेबलेट रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं बिकॉज अगर मैं सारे के सारे सिनेरियोस को यहाँ पर ड्रॉ करूंगा तो ना तो उन सभी सिनेरियोस की मुझे जरूरत है एंड ना ही उन सिनेरियोस को मैं यहां पर एक साथ में शो करने से मेरा कोई फायदा होने वाला है मैं एक बेसिक सा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देता हूं ठीक है एंड चीजों को इजी रखने के लिए एंड जैसे-जैसे आगे क्वेश्चंस में मुझे चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी और भी इंफॉर्मेशन अनफोल्ड होती चलेगी वैसे-वैसे मैं उस टेबल को जो है वो मॉडिफाई करता रहूंगा ठीक है तो इसका ये मतलब है दैट मैं पर जो है एक टेबल टेबलर रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं so क्लैरिटी बनी रहे हैं। हमारे पास तीन पायलट है ए बी एंड सी इन तीनों का प्लेन में होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है ठीक है इन तीनों के साथ साथ एक हमारे पास को पायलट भी रहने वाला है अब मुझे बोला गया है दैट ए जो है ना वो प्लेन वन एंड फोर में जा रहा है तो सिंपल सा चीज है प्लेन ए जो पायलट है ना वो या तो वन में जाएगा या फिर फोर में जाएगा एंड सिमिलरली जो ये डी है ना डी को पायलट है वो या तो टू में जाएगा या फिर थ्री में जाएगा बट डी जो है ना वो टू एंड थ्री में जाएगा ए जो है वो वन एंड फोर में जाएगा इसका ये मतलब है डी और ए कभी भी एक साथ फ्लाई नहीं करेंगे मतलब डी जो है ना वो या तो बी के साथ जाएगा या तो फिर जो डी है वो सी के साथ जाएगा करेक्ट तो इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ए किसके किसके साथ जा सकता है ए जो है ना वो ई e के साथ जा सकता है या तो फिर जो ए है वो एफ के साथ जा सकता है ठीक है अब यहां तक हम लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं अब अगर डी बी के साथ जाता है तो डी जो है वो या तो प्लेन टू में होगा या तो प्लेन थ्री में होगा एंड अगर डी सी के साथ जाता है तो या तो ये प्लेन टू में होगा या फिर थ्री में होगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बेसिक सा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर लिया ध्यान रखना दैट यहां पर प्रायोरिटी हमने ए को दी हुई है बट नीचे जो प्रायोरिटी है ना वो डी के साथ है मतलब या तो डी बी के साथ जाएगा या तो डी सी के साथ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं दैट बी जो है वो डी के साथ जा सकता है सी जो है वो डी के साथ जा सकता है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है ठीक है ये हमारा एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर लिया है चलो अब हम लोग हम लोगों को क्वेश्चन में और कोई चीज गिवन नहीं है तो अब हम लोग जो है वो जो इसके क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं डेट क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों को पूछे गए हैं इफ एना फ्लाइज इन प्लेन फोर एंड डेव फ्लाइज इन प्लेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अब सिंपल सी चीज है मुझे यहां पर क्या रिप्रेजेंटेशन था भाई मेरा रिप्रेजेंटेशन था ए बी सी ये तीनों पायलट्स हो गए हैं इनके नीचे को नीचे, में, नीचे, में, नीचे में। मेंशन करूंगा. 2, जो है वो 2 में है। अब देखो डी का मुझे पता नहीं है तो मैं यहां पर बी को अभी मेंशन नहीं करता हूं, हूं बट मैं डी को मेंशन कर देता हूं डी जो है ना वो किसी एक पायलट के साथ प्लेन टू में जा रहा है ठीक है अब मुझे आगे बोला गया विच फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू डी किसके साथ है मुझे नहीं पता डी हो सकता है बी के साथ हो या फिर डी हो सकता है सी के साथ हो देखो आगे मुझे क्या बोला गया कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हंड्रेड परसेंट ट्रू होना चाहिए सी फ्लाइज इन इधर प्लेन वन और प्लेन थ्री सी जो है वो वन में जा सकता है या फिर थ्री में जा सकता है ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई आप सी को डी के साथ भी तो बैठा सकते हो ना क्या दिक्कत है कोई सा भी हमारा पॉइंट वायलेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि डी जो है ना वो सी के साथ भी जा सकता था डी जो है वो बी के साथ भी जा सकता था तो मैं डी को सी के साथ प्लेन टू में भी बैठा सकता हूँ तो इसका ये मतलब है दैट ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू हो भी सकता है फॉल्स भी हो सकता है बट हंड्रेड परसेंट ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इफ सी इज़ फ्लाइंग इन प्लेन थ्री मतलब जो हमारा सी जो कि पायलट है वो प्लेन थ्री में जा रहा है देन बी को जो है वो प्लेन टू में ही होना पड़ेगा ऑब्वियस चीज है मैंने आपको क्या बताया सारे के सारे लोग जो है वो फ्लाई कर रहे हैं एंड फ्लाई करने के लिए हर प्लेन में एक पायलट होना जरूरी है अगर प्लेन टू फ्लाई कर रहा है तो यहां पर एक पायलट का होना जरूरी है डी तो को पायलट है पायलट कौन बचा भाई ए बी सी हमारे पायलट थे तो बी का प्लेन टू में होना मैंडेटरी बन जाता है तो हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है उसको 100% परसेंट ट्रू होना ही पड़ेगा तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा बन जाता है भाई सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है इसके अलावा हम लोग बाकी ऑप्शन भी अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला था इफ सी इज इन प्लेन थ्री सी इज इन प्लेन थ्री देन बी फ्लाइज इन प्लेन टू बी फ्लाइज इन प्लेन टू ठीक है यहां तक हम लोगों को कुछ कंडीशन दी हुई थी सेकंड ऑप्शन में मैंने सेकंड ऑप्शन को रिमूव कर दिया सो मैं सी ऑप्शन 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 डी ई को यहां पर अप्लाई कर पाऊं बी एंड वन अनदर पर्सन फ्लाई इन प्लेन वन ठीक है ये भी पॉसिबल हो सकता है दैट बी किसी एक और को पायलट के साथ प्लेन वन में फ्लाई कर रहा हो, हो सकता है बिकॉज अगर बी जो है वो किसी और पर्सन के साथ फ्लाई कर रहा होगा तो फिर सी जो है वो डी के साथ फ्लाई कर जाएगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है ठीक है एंड बी जो है वो टू में भी हो सकता है ऐसा हंड्रेड परसेंट नहीं है दैट बी जो है वो प्लेन वन में ही फ्लाई करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है बी टू में भी फ्लाई कर सकता है फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं इफ बी इज अबाउट प्लेन फोर ठीक है बी ने प्लेन फोर लिया है ऑब्वियसली तब ए को ए के साथ बी को जाना पड़ेगा सिंधी फ्लाइज इन प्लेन थ्री सिंधी जो है वो सिंधी फ्लाइज इन प्लेन थ्री तो सिंधी को ठीक है प्लेन थ्री में जाना पड़ेगा ठीक है ऐसे केस में हमारे पास ये मस्ट ट्रू वाला सिचुएशन नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा बिकॉज आप देखो ना ए एक पायलट है बी एक पायलट है सी भी एक पायलट है बट ये जो हमारा एक और प्लेन हवा में है इसको एक पायलट की जरूरत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पायलट तो होना ही होना चाहिए तो यहां पर ये कंडीशन जो है ना वो थोड़ा सा वेक टाइप का सिचुएशन बन रहा है दो पायलट अगर एक ही प्लेन में चले जाते हैं तो हमारा एक प्लेन बिना पायलट के रह जाएगा तो ये कंडीशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ठीक है तो यहां पर हम लोग इस वाले कंडीशन को हंड्रेड ट्रू नहीं बोलेंगे ठीक है एंड ऐसा भी जरूरी नहीं है अगर मैं मान लेता हूं ये कंडीशन सच भी है तो भी सी जो है ना सी को तो मैं प्लेन वन में भी बिठा सकता हूं ना भाई हंड्रेड परसेंट तो नहीं है कि सी को थ्री में ही एक जगह मिलेगी बैठने के लिए तो ये भी ऑप्शन जो है वो मस्ट ट्रू के कैटेगरी में नहीं आएगा ठीक है इफ सिंडी इज इन प्लेन टू अब देखो ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन है अगर हम सिंडी uh, जो है वो प्लेन टू में है फॉर एग्जाम्पल सिंडी इज इन प्लेन टू देन बॉब फ्लाइज इन प्लेन थ्री बी जो है वो प्लेन थ्री में जाएगा तो बी ऑब्वियसली एक पायलट है उसको एक प्लेन चाहिए रहेगा अलग से तो बी जो है ना उसको प्लेन थ्री में ही जाना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना भाई बी वन में भी तो जा सकता है वन में जाने के लिए बी को किसने रोका है किसी ने भी नहीं तो यहां पर भी ये सिचुएशन जो है वो मे बी ट्रू मे नॉट बी ट्रू के कंडीशन में कैटेगरी में है हंड्रेड परसेंट ट्रू मैं इस भी सिचुएशन को नहीं बोल सकता हूं तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्ट हंड्रेड परसेंट ट्रू हो सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है इफ बॉब एंड एना फ्लाई ऑन सेम प्लेन ठीक है अब देखो सिंपल सी चीज है मैं वापस से हमारा जो क्राइटेरिया था एबीसी वाला यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ दिस इज ए अब मुझे बोला गया दैट बॉब एंड ए जो है ना वो एक ही प्लेन में फ्लाई कर रहे हैं मतलब दो पायलट जो है वो एक ही प्लेन में बैठे हुए हैं वैसे ये सिचुएशन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ वेक टाइप का सिचुएशन बन रहा है बट चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ बिकॉज क्वेश्चन में ये मुझे हंड्रेड परसेंट सर्टिनिटी के साथ नहीं बोला गया दैट दो पायलट एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं ऐसा मुझे नहीं बोला गया है ठीक है एंड मैक्सिमम मैंने बोला था सबके सब लोग जो है वो फ्लाई कर रहे हैं मतलब ये हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है दैट एक प्लेन में दो पायलट बैठे हुए हैं ठीक है एंड एक को पायलट बैठा हुआ है ऐसा भी हो सकता है ठीक है बिकॉज कुछ कुछ प्लेन्स में आपने देखा होगा दो को पायलट भी रिक्वायर्ड होते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट का रूट वगैरह क्या है उसके अकॉर्डिंग तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जैसे मैं इजी वे में समझाता हूं देखो हमारे पास फोर प्लेन थे वन टू थ्री फोर ठीक है अब एक टाइम पे मैक्सिमम तीन प्लेन जो है वो उड़ सकते हैं मैक्सिमम ठीक है मतलब एक टाइम पे केवल एक प्लेन भी जो है वो हवा में हो सकता है ठीक है दो एक टाइम पे दो प्लेन भी हवा में हो सकते हैं एक टाइम में तीन प्लेन भी जो है वो हवा में हो सकते हैं ठीक है ये तीन सिनेरियो हमारे पास अराइज हो सकती है दैट एक टाइम में एक प्लेन हवा में है दो प्लेन हवा में है तीन प्लेन हवा में है ठीक है बिकॉज

मतलब बेसिक सी चीज है दोनों प्लेन में एक एक पायलट तो मैंडेटरी चाहिए उसके अलावा जो बचे हुए पायलट एंड को पायलट है वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं किसी भी प्लेन में एंड अगर तीन प्लेन उड़ रहे हैं तो इन तीनों प्लेन में एक एक पायलट तो चाहिए ही चाहिए इनके साथ साथ एक को पायलट भी जो है वो चाहिए ठीक है तो ये तीन सीनेरियोज भी हो सकते हैं तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं दैट ए एंड बी जो है वो एक ही साथ एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तो ये भी सिचुएशन हो सकती है ठीक है इट कैन बी ट्रू ठीक है ऐसा आप मत समझना देट एक पायलट और को पायलट ही चाहिए प्लेन उड़ाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इफ ए एंड बी आर फ्लाइंग ऑन सेम प्लेन विच फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू तो देखो मस्ट बी ट्रू के लिए मुझे क्या चाहिए सी फ्लाइज विथ डी एंड ई सी जो है वो डी एंड ई के साथ उड़ रहा है ठीक है अब ये चीज हो सकती है बिकॉज ऐसे में मेरे पास कितने प्लेन हवा में है भाई दो प्लेन हवा में है तो सी उसको जो है वो प्लेन को उड़ा रहा होगा एंड डी एंड ई जो है वो आ, उसको मतलब डी एंड ई जो है वो एक तरीके से को पायलट का वर्क कर रहे होंगे बट यहां पर आप देखो सी जो है ना ए बी डी एंड ई ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुड़ भी ट्रू हो सकते हैं हंड्रेड परसेंट ट्रू होने की इनको जरूरत नहीं है बिकॉज ए बी सी डी एंड ई ए बी सी डी एंड ई ठीक है मेरे पास एफ का सिचुएशन यहां पर दिया नहीं गया है करेक्ट एफ का सिचुएशन मुझे नहीं दिया गया है तो सी जो है ना वो एफ के साथ भी तो फ्लाई कर सकता है ना सी को एफ के साथ फ्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ठीक है अब एफ को फ्लाई करना है तो एफ को तो एक पायलट चाहिए तो ये कुड भी ट्रू हो सकता है कैन नॉट बी ट्रू भी हो सकता है ठीक है तो ये भी हमारा एक तरीके से एरर आएगा ये ये जो है वो हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं जाएगा उसके बाद मुझे नेक्स्ट सिचुएशन क्या दिया हुआ है दैट अगर ए बी के साथ फ्लाई कर रहा है ठीक है अगर ए बी के साथ फ्लाई कर रहा है तो सी जो है वो ई e के साथ फ्लाई करेगा तो यहां पर आप देखो सी जो है वो ई e के साथ फ्लाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना सी तो एफ के साथ भी जा सकता है सिमिलरली हर एक सिचुएशन में आप देखो ध्यान से दैट डी फ्लाईज विथ सी डी जो है वो सी के साथ फ्लाई कर रहा है ठीक है अब यहां पर आप देखो ये 100% परसेंट ट्रू होना ही पड़ेगा इसको बिकॉज अगर ए बी के साथ जा रहा है तो सी को डी के साथ फ्लाई करना ही करना पड़ेगा बिकॉज सी एक पायलट है एंड डी जो है वो एक तरीके से को पायलट है ओके तो ये जो सिचुएशन है वो 100% परसेंट ट्रू होनी चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो अगर आपको डाउट हो रहा है दैट भाई सी एफ के साथ भी तो जा सकता है सी लेट से सी जो है वो डी ई e के साथ भी तो जा सकता है बट अब ध्यान से देखो ना हम लोगों ने पहले जो कंडीशन बनाई थी हम लोगों को क्या बोला गया था दैट डी जो है ना ठीक है डी जो है वो या तो बी के साथ जाएगा या तो फिर सी के साथ जाएगा करेक्ट डी जो है वो या तो बी के साथ जाएगा या तो सी के साथ जाएगा और अगर बी जो है ना वो ए के साथ चला जाता है तो इसका ये मतलब है दैट जो हमारा डी बचा हुआ है ना उसको सी के साथ ही जाना पड़ेगा आई होप आप ये चीज जो है वो समझ रहे हो देखो मैं यहां पर फिर से मेंशन कर देता हूं क्वेश्चन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो सी है डी है ना वो या तो बी के साथ जा सकता था या फिर सी के साथ जा सकता था बट यहां पर इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया दैट बी जो है ना वो ए के साथ चला गया बी जो है वो चला गया ए के साथ ठीक है तो बी यहां से चला गया ऑब्वियसली चीज है तब डी को किसके साथ जाना पड़ेगा भाई डी को सी के साथ ही जाना पड़ेगा तो हमारा जो डेव फ्लाइज विथ सिंधी है यही ऑप्शन जो है वो 100% परसेंट मस्ट ट्रू के क्राइटेरिया में आएगा बाकी सभी ऑप्शन जो है ना मे भी ट्रू हो सकते हैं मे नॉट भी ट्रू के कैटेगरी में आ जाएंगे ठीक है तो ये हम लोग बाकी आगे वैसे देखने की जरूरत है नहीं आपको ठीक है एफ फ्लाइज विथ ई ऑब्वियसली एफ जो है वो ई e के साथ जा रहा है ऑब्वियसली एफ एंड ई e जो है वो दोनों के दोनों ही को पायलट है हमारे पास पायलट की यहाँ पर जो है वो नेम मशन नहीं है तो ये जो है वो मस्ट टू के कैटेगरी में नहीं आएगा सिमिलरली डेव फ्लाइज विथ सी ई एंड एफ डी जो है वो सी ई एंड एफ के साथ मे बी फ्लाई कर सकता है ठीक है बिकॉज सी ई एंड एफ के साथ फ्लाई कर सकता है ठीक है मस्ट बी ट्रू के कैटेगरी में ये चीज जो है वो नहीं आएगी ठीक है आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी हंड्रेड परसेंट के साथ जो है वो मैं बी ऑप्शन को ही करेक्ट कह सकता हूं ठीक है है okay. ओके अब इस वाले क्वेश्चन में आप ये जो सी ऑप्शन अगर उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर देखो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो दैट ऑप्शन नंबर सी में जो चीज बोली गई है दैट सी जो है वो ई एंड एफ के साथ डी को लेकर के उड़ रहा है मतलब हमारे पास ये सिचुएशन दी गई है दैट ए जो है वो बी के साथ उड़ रहा है सी जो है वो डी एंड e एफ के साथ फ्लाई कर रहा है तो ये चीज भी पॉसिबल है बट मस्ट ट्रू के कैटेगरी में नहीं आएगा बिकॉज क्वेश्चन में यह चीज कहीं भी नहीं है दैट एंड जो है वो अकेले उड़ रहे हैं ठीक है हो सकता है E एंड F जो है वो C के साथ उड़ रहे हो या फिर E एंड F जो है वो A के साथ भी फ्लाई कर रहे हो सकते हैं ठीक है तो ये मस्ट बी ट्रू के कैटेगरी में नहीं जाएगा ठीक है तो इसलिए हमारा जो एक 100% परसेंट एक्सी के साथ मैं कह सकता हूं वो ऑप्शन नंबर बी को कह सकता हूं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सी एंड एफ आर द ओनली पीपल इन वन ऑफ द प्लेन्स अब देखो सिंपल सी चीज है जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में इफ बी एंड ए आर ओनली पर्सन इन plane नहीं गिवन था इसलिए मेरा सी ऑप्शन गलत हो गया बट यहां पर यह चीज बहुत ही अच्छे से mention की गई है मतलब मेरे पास अगेन तीन pilots हैं ए बी एंड सी अब मुझे क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है दैट सी और एफ जो है ना वो जो है वो और किसी भी और भी किसी भी पर्सन को लेकर के नहीं उड़ रहे हैं तो सी एंड एफ जो है वो एक साथ फ्लाई कर रहे हैं ठीक है सी एंड एफ का तो चलो मुझे अच्छे से पता चल गया अब मेरे पास एक कंडीशन आपको याद होगी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दैट डी जो है ना वो या तो बी के साथ फ्लाई कर सकता था या तो फिर सी के साथ फ्लाई कर सकता था बट अगर सी ने एफ को ऑक्यूपाई करके रखा है मतलब सी जो है वो F के साथ जा रहा है तो मेरा डी जो है उसके लिए कौन बचा भाई D के लिए केवल और केवल बी बचा तो बी जो है वो ऑब्वियसली डी के साथ ही जाएगा ओके okay? चलो आगे देख लेते हैं हम लोग इफ F आर द ओनली पर्सन इन वन ऑफ द प्लेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू ठीक है मस्ट बी ट्रू का हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं देखो यहां पर मुझे क्या बोला गया बॉब फ्लाइज विद ए बी जो है वो ए के साथ फ्लाई कर रहा है ये हंड्रेड परसेंट ट्रू तो नहीं हो सकता है पॉसिबल पॉसिबिलिटी है दैट इस वाले प्लेन को मैं छोड़ देता हूं ए एंड बी और डी इन तीनों को एक ही प्लेन में बैठा देता हूं जो भी को को पायलट हैं उनको भी सेम प्लेन में बैठा देता हूं वो चीज पॉसिबल है बट मस्ट बी ट्रू के कैटेगरी में नहीं आएगा सेकंड इज डी फ्लाइज विथ ई डी जो है वो ई e के साथ फ्लाई कर रहा है ये भी हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं है ना भाई ई e तो यहां पर भी आ सकता है है कि नहीं आप ये ए, ये भी चीज कह सकते हो दैट ई जो है वो ए के साथ है बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये भी चीज नहीं पता है ना कि पायलट प्लेन अकेला उड़ा सकता है या नहीं हो सकता है वो अकेला उड़ा रहा हो एंड जो ये ई जो है वो बी के साथ ही उड़ रहा हो तो ये मस्ट ट्रू के कैटेगरी में नहीं आएगा ठीक है डे एंड एड यानी कि डी एंड ई फ्लाई विद बॉब डी एंड ई फ्लाई विद बॉब ये भी मस्ट बी ट्रू के कैटेगरी में नहीं है हो सकता है ई जो है वो ए के साथ हो पॉसिबल है ना भाई यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं ना मेरे पास

With Anna, है? अगर मैं बी को ए के साथ डाल देता हूं तब भी ये चीज पॉसिबल है, 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 तो है वो एक तरीके से इसी के साथ आ जाएंगे तो डी जो है वो बी के साथ भी फ्लाई कर रहा है यह भी कंडीशन जो है वो मेरा है, एक के तौर पर बन सकता है बट ये मस्ट ट्रू का कंडीशन नहीं बनेगा डी फ्लाइज विध एड डी जो है वो ई e के साथ फ्लाई कर रहा है डी जो है वो ई e के साथ फ्लाई कर रहा है ये भी हंड्रेड परसेंट तीनों सिचुएशन में आना चाहिए उसी को मैं हंड्रेड परसेंट ट्रू बोलूंगा ठीक है डी एंड ई फ्लाई विद बी डी एंड ई फ्लाई विद बी ऐसा केवल और केवल एक ही सिचुएशन में हो रहा है तो ये भी हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं है डी फ्लाइज विद बी डी जो है वो बी के साथ फ्लाई कर रहा है येस yes, ये तीनों ही सिचुएशन में है देखो डी यहां पर भी बी के साथ है डी यहां पर भी बी के साथ है एंड डी जो है वो यहां पर भी बी के साथ ही फ्लाई कर रहा है तो ये जो सी ऑप्शन है वो 100% परसेंट करेक्ट होगा क्योंकि जो मैंने ये तीन ऑप्शन क्रिएट किए तीन सिनेरियो क्रिएट किए यहां पर कहीं पर भी बाकी कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है फ्लाईज विध एना ई जो है वो ए के साथ फ्लाई कर रहा है ठीक है बट यहां पर तो देखो ना जो e है वो इी के साथ मैंने डाल दिया तो भी तो कोई रूल वायलेट नहीं हुआ ना तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा ठीक है तो जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट आंसर है हर एक में जो है वो बी के साथ ही फ्लाई कर रहा होगा ठीक है चलो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इफ प्लेन वन इज यूज इट्स क्रू देखो सिंपल सा चीज है मुझे बोला गया था ए जो है ना वो या तो वन में जाएगा या तो फोर में जाएगा एंड डी जो है ना वो या तो टू में जाएगा या तो फिर थ्री में जाएगा तो अब आप देखो सिंपल सी चीज़ है डी कभी भी वन में नहीं जा रहा है करेक्ट डी जो है वो वन में मतलब मैं यहां पर एरो जो है वो मार्क अच्छे से कर देता हूं डी कभी भी किसी भी केस में वन में नहीं जाना चाहता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है अगर प्लेन वन यूज हुआ है तो आप उन सभी ऑप्शंस को कट कर दो जिसमें डी का नाम लिखा हुआ है ठीक है तो मैं यहां पर देखता हूं बॉब डेब ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है ए बी सी एफ ए बी ई एफ बी सी ई एफ ठीक है तो ये दो चलो मैंने जो है वो सिंपली ऑप्शन नंबर ए को यहां से जो है वो चीजें एलिमिनेट होने लग गई ठीक है डी कैन नॉट फ्लाई इन वन एंड नीड्स अ पायलट सो ऑप्शन ऑप्शन विथ ऑल द पायलट विल ऑल्सो एलिमिनेट आप आई होप आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझियोगे देखो डी जो है ना वो या तो टू में जा रहा है या तो फिर डी जो है वो थ्री में जा रहा है करेक्ट बट डी एक को पायलट है डी क्या है डी एक को पायलट है तो इसको एक पायलट तो चाहिए रहेगा ना एक पायलट डी के साथ उड़ रहा है दूसरे प्लेन में तो सिंपल से चीज है जिस ऑप्शन में तीनों के तीनों पायलट हैं वो भी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज एक पायलट को डी के साथ किसी और प्लेन में बैठना है करेक्ट तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई ऐसा केवल और केवल वन ऑप्शन ही है जिसमें कि तीनों पायलट्स गिवन है ए बी एंड सी तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी अब देखो ए बी सी मिसिंग है सी पायलट जो है वो मिसिंग है मतलब सी एंड डी जो है वो आपस में एक साथ बैठ सकते हैं ये एक ऑप्शन है बी सी एफ हमारे पास प्रेजेंट है इसका ये मतलब है दैट ए जो है वो डी के साथ बैठ सकता है तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पर आ रही है बट यहां पर अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर सी को देखते हो ना तो हमारे पास ये चीज बच रही है दैट ए जो है ना वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है इस ऑप्शन में इसका यह मतलब बन रहा है कि ए जो है वो एज अ पायलट डी को ज्वाइन करेगा बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में मुझे बोला था दैट डी जो है ना वो केवल और केवल या तो बी के साथ फ्लाई कर सकता है या तो फिर सी के साथ फ्लाई कर सकता है मैं यहां पर मैंशन कर देता हूं आपको आई होप क्वेश्चन में यहां पर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला था दैट Uh, यहां पर कहीं पे पर था आई होप हम लोगों ने ये जो कंडीशन लिखी थी ना दैट ए के लिए केवल ई e एंड एफ बच गया था एंड बी जो है वो डी डी जो है वो बेसिकली डी वॉन्ट टू फ्लाई ऑनली बी और सी मैंने यही पर कहीं पर आई थिंक होगा ऑनली क्वालिफाइड नो प्लेन फ्लाई विदाउट नो वन ठीक है आई होप uh, आपको याद होगा बिकॉज हम लोगों ने यहां पर ये चीज डिराइव की थी दैट डी जो है वो या तो बी के साथ जाना चाहता है या तो फिर सी के साथ जाना चाहता है बट डी ए के साथ कभी भी नहीं जाना चाहता है सी ओके okay, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं यहां पर केवल और केवल ए बचा हुआ है तो डी कैन नॉट फ्लाई विथ ए हाँ ओके हम लोगों ने ये चीज जो है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन नहीं थी हम लोगों ने ये चीज डिराइव की थी कैसे मैं आपको याद दिला देता हूं हम लोगों को गिवन था दैट ए जो है ना वो वन एंड फोर में ही जा सकता है डी जो है वो केवल टू एंड थ्री में ही जा सकता है इसका ये मतलब हुआ ना भाई कि ए और डी आपस में कभी भी नहीं एक साथ कभी भी फ्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रेफरेंस अलग है ओके आई होप आपको यहां से ये चीज समझ में आई होगी तो एकमात्र ऑप्शन जो एक लौता ऑप्शन बचा जहां पर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं वो बचा बी ऑप्शन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इफ एज मेनी ऑफ द पायलट एंड को पायलट्स एज पॉसिबल इन फ्लाई इन फ्लाई इन प्लेन फोर देन दैट ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ सिंपल सी चीज है अगर हम लोगों को पूछा गया कि प्लेन फोर में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं मतलब मैक्सिमम कितने लोगों ने फ्लाई किया होगा तो सिंपल सी चीज है जो हमारा डी है वो प्लेन टू एंड प्लेन थ्री में जाना चाहता है प्लेन फोर में तो डी नहीं आएगा ठीक है तो ऑब्वियसली पहले छह लोग थे इसमें से डी तो आएगा नहीं प्लेन फोर में तो अब मेरे पास पांच लोग बच गए अब डी को एक पायलट भी तो चाहिए ना डी को एक पायलट भी चाहिए तो वो पायलट जो है वो डी के साथ किसी और प्लेन में जाएगा तो ये फाइव से घट करके फोर हो जाएंगे तो एग्जैक्टली फोर पीपल ठीक है मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो चार लोग होंगे जो कि प्लेन फोर में फ्लाई कर पाएंगे ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन था काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं आई होप आपको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट uh, जो है वो बेसिक्स समझ में आएंगे इसके बाद हम लोग और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे एल में तो आपका जो और भी कॉन्सेप्ट अरेंजमेंट्स को लेकर के वो और भी ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग